फ्रेंड्स आपने पहला और दूसरा वीडियो देखा होगा, अब बात करते हैं तीसरे प्रोसेस की, जिस तीसरे प्रोसेस के अंतर्गत पूरी डिटेल और पूरी जानकारी के साथ आपको सारा प्रोडक्ट और इन्फॉर्मेशन बताते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जब आप किसी ऑर्डर्स को या कस्टमर्स को फाइनल कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी जिस जगह जिस फ्लोर पे आप जाएंगे वहां इतने सारे एग्जीक्यूटिव्स ये अपने कस्टमर के साथ कॉल पे लगे हुए हैं, उनको फाइनल करने के लिए लगे हुए हैं। आपको सारी चीज पेपर में नोट डाउन करनी है, पूरे फ्लोर को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद जब आप अपना काम स्टार्ट कर लीजिए, आपको यहां जब कस्टमर्स को व्हाट्सएप करने के बाद उन कस्टमर्स ने बोला कि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं कि जब कस्टमर बुकिंग कराएगा, बुकिंग के लिए कस्टमर्स को बोला होता है सर हमारी पहली एक ऐसी कंपनी है जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को हटाकर सीधा कस्टमर्स को एक पीस भी फैक्ट्री रेट में प्रोवाइड करवा रही, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कस्टमर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता, ये केवल कंप्यूटर बाजार है जो कस्टमर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है। अब बात करते हैं बुकिंग कैसे होगी। आपने जब कस्टमर्स को वो सारा डिटेल वगैरह भेजा, डिटेल भेजने के बाद कस्टमर्स को बोलना रहता है कि सर ये प्रोडक्ट का फोटो है और ये सारा बुकिंग वगैरह, आपको उसको डेमो के लिए किसी दूसरे एग्जीक्यूटिव ने जिनकी बुकिंग हुई है वो भेजना होता है कि सर देखिए ये कस्टमर है जो उड़ीसा से हैं, जिन्होंने अपना बुकिंग कराया, उनका बुकिंग का स्क्रीनशॉट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, उनका ये प्रोडक्ट, जिससे कस्टमर को ट्रस्ट हो सके। अगर आपको फास्ट आगे निकलना है, फास्ट सीखना है, एक घंटे की ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत सारा नॉलेज इससे मिल जाएगा। जब आपने वो सारा उनको एग्जाम्पल के लिए भेजा कि सर देखिए ये कस्टमर ने भी बुक कराया, इस कस्टमर ने भी बुक कराया, यहां से हो रहा है। अब बुकिंग की बात की जाए तो कोई भी प्रोडक्ट जो कंपनी में बुक होता है वो 3500 रुपए के बुकिंग से इसको बुक किया जाता है। कारण कि इसमें कस्टमर का जो प्रोडक्ट जाता है उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगता है और इंश्योरेंस भी होता है जो कंपनी खुद प्रोवाइड करती है, कस्टमर को नहीं देना होता किसी भी तरह का इंश्योरेंस चार्ज और उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, अगर वो 3500 रुपए से बुकिंग कराता पहला। अब कस्टमर चाहे तो फुल पेमेंट से भी बुकिंग करा सकता, ये पूरा पेमेंट पे करके फुल पेमेंट से अगर वो बुकिंग कराता है तो उसका जो पार्सल है वो सेम डे या उसके अगले डे डिस्पैच हो जाता है। और अगर वो 3500 रुपए से बुकिंग कराता है तो डेली की हजारों की तादाद में बुकिंग होती है, तो 5 से 7 दिन का टाइम होता है उसका पार्सल डिस्पैच होने में। ये बुकिंग के लिए आपका 3500 रुपए अमाउंट होता है। बाकी जो प्राइस होता है वो जब पार्सल उसके वहां पहुंच जाता है उसका डिस्ट्रिक्ट में, तब उसको पहले पेमेंट करना रहेगा, फिर वो पार्सल उससे डिस्पैच हो जाता है। ये कस्टमर से बात करने का प्रोसेस, जितना कम्युनिकेशन स्किल्स आपका है, बात करने का जितना टैलेंट है, उस टैलेंट को उस तरह से कैसे यूज कर सकते हैं वो यहां था। ये इससे बेस्ट फ्लोर, आज बहुत सारे पर्सन फैक्ट्री में जॉब करते हैं, कोई मेडिकल स्टोर में जॉब कर रहा, कोई फील्ड का वर्क कर रहा है, या कोई किराने की दुकान में जॉब कर रहा, कोई करियर की सिक्योरिटी नहीं है। यहां कंपनी में हर 3 महीने के अंतर्गत पोस्ट चेंज होती है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसीलिए हजारों इंटरव्यू डेली होती है। 3 महीने में पोस्ट चेंज होती है। अगर पर्सन 10,000 की सैलरी पे है तो महीने में डेफिनेटली 25 से 30,000 रुपए, अगर टैलेंटेड पर्सन से मेहनती पर्सन से तो 25 से 30,000 के प्लेटफॉर्म पर जा सकता है आराम से। और उसके बाद अगर एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट से ज्वाइन किया है तो सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर टीम लीडर, फिर बीडीएम, फिर ब्रांच मैनेजर, और इस तरह से वो अपने करियर को बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकता है। जैसे कंपनी आज 200% की ग्रोथ पे काम कर रही है, ऑल ओवर इंडिया में वर्क फ्रॉम होम का काम हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं उन पर्सन के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल आइए अपन बात करें टॉपिक्स के ऊपर। आपने जैसा उसका बुकिंग का पूरा स्टेटस वगैरह कस्टमर्स को भेजा, अब जब आपके पास नया कस्टमर फिर आता है तो उस कस्टमर्स को प्रॉपरली तरीके से विश करना होता है, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, कि सर मैं कंप्यूटर बाजार से बात करूं, बिल्कुल आपको किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। वो कहता है कि सर हमने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा, फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पे देखा, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वहां देखा, तो हमें लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है या एलईडी टीवी की रिक्वायरमेंट है। इससे रिलेटेड मैं पूरा प्रोसेस आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आपको कस्टमर को स्टेप बाय स्टेप उस कस्टमर्स को समझाना। फ्रेंड्स जैसे आपने पूरा सर का ट्रेनिंग वीडियो देख लिया होगा कि किस तरह से बुकिंग वगैरह होती है, कितना बुकिंग का जो पेमेंट होता है कितना मंगवाना रहता है, उसके आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ आपको, किस तरह से उसमें वेरीफाई किया जाता है, कैसे पेमेंट आएगा, पेमेंट आने के बाद इस तरह से जो ऑर्डर इनवॉइस है इसमें आपका सारा कॉन्टेक्ट नंबर, कस्टमर के 2 कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, स्टेट, पिन कोड नंबर वगैरह सारा फिलअप होगा, प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह सारा फिलअप होगा। उसके बाद जो ध्यान रखने वाली जो बात होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है उसका पिन कोड नंबर और उसका डिस्ट्रिक्ट।
तो पिन कोड चेक करने के लिए TCA की साइट आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये TCA की साइट है। इसके ऊपर आपको सर्च करना है पिन कोड इंक्वायरी, उसके अंदर आपको पिन कोड नंबर डाल के चेक करना है कि ये पार्सल जा रहा है या सर्विसेबल है या नॉन सर्विसेबल है। ODA A दिखा रहा है, B दिखा रहा है, C दिखा रहा है या D दिखा रहा है, वो सारा प्रोसेस ये देखिए ये इस तरह से होगा। उसके बाद वही पिन कोड, जो पिन कोड आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जो है वही पिन कोड आपको इसके अंदर इनवॉइस के अंदर आपको लिखना रहेगा। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपको प्रोडक्ट के बारे में जैसे सर ने बताया था कि तीन तरह के प्रोडक्ट होते हैं अपने पास जो रहेगा वो रिफर्बिश्ड स्टोर है। जैसे आपको जैसे कस्टमर से ये पूछा जाएगा कि आपको जो प्रोडक्ट बताया गया है नया तो नहीं है, या फिर कौन सा लैपटॉप बताया गया है, उसमें क्या हार्ड डिस्क है, क्या रैम है, वो सारी डिटेल्स वगैरह रहेगी। और जैसे जो आपने जो LED TV ऑर्डर किए ऑर्डर करवाते हो तो उसमें किस तरह से प्रोसेस जाएगा। LED TV जो रहती है अपने स्मार्ट एस्टेक के नाम से ब्रांडेड LED TV है, 1 ईयर वारंटी के साथ रहेगा, स्मार्ट प्लस एंड्रॉइड TV है। ये डिटेल्स आपको कस्टमर को बतानी रहती है। और प्रोडक्ट जो रहेगा अपना जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पे पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद पहले उनको कस्टमर को इन्फॉर्मेशन जाएगी पार्सल डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर एग्जीक्यूटिव के द्वारा कि इस तरह से ही आपका प्रोडक्ट है, इस जगह आपका पहुंचा हुआ है। उसके बाद आपको कुरियर ऑफिस जाना है, वहाँ पे कन्फर्म करना है पार्सल पहुंचा है या नहीं। उसके बाद वो कस्टमर को जो रहता है वो ऑनलाइन कंपनी के अकाउंट में पेमेंट पे करना रहेगा। पेमेंट करने के बाद जब वो पार्सल ओपन करेगा तो पार्सल डिपार्टमेंट है उनको वीडियो कॉल में साथ में लेके फिर उनको पार्सल ओपन करना रहेगा। उसके बाद में जैसे LED है तो 1 ईयर वारंटी के साथ है और लैपटॉप है तो 7 डे टेस्टिंग वारंटी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत जैसे आपने पूरा ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस देखा था, किस तरह से प्रोडक्ट की बुकिंग, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज, इस सभी की ट्रेनिंग्स आपको अभी तक हो चुकी है क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो यहां तक की पूरी नॉलेज आपको हो चुकी है। अब आप ही पे डिपेंड करता है कैसे आपका सिलेक्शन होगा। उसके साथ साथ ही जब भी कोई काम करते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जब कस्टमर किसी क्वेश्चन को करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा, तो उस ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग कैसे होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। आइए, उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैं आपको इस ट्रेनिंग प्रोसेस में बताने वाला हूं, जो मैम आपसे ये पूछने वाले हैं, एक एक चीज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं। जी मैम, जैसे कस्टमर ये पूछता है कि जैसे पार्सल खोल के देखूंगा, पार्सल पहुंच गया वहां पे, वो बोलता है पार्सल खोल के देखूंगा, तो उसका क्या सॉल्यूशन? बिल्कुल, कस्टमर से बोलता है कि मैं पार्सल पहले खोल के देखूंगा फिर पेमेंट दूंगा, ये फर्स्ट कस्टमर का क्वेश्चन होता है। अब इसका आंसर ये होगा कि सर देखिएगा, आपने जो पार्सल बुक करवाया है वो कैश ऑन डिलीवरी पार्सल है, कंपनी का सीधा फैक्ट्री से ऑर्डर हो क्या रहा। कोई भी कोरियर कंपनी ऐसी नहीं होती है जो पहले उस पार्सल को खोल के दिखाती है, बेकार है। इसका इंश्योरेंस हो क्या था, आपने जैसे ही पेमेंट कंपनी के अकाउंट में करवाना, करंट अकाउंट में जब आपने पेमेंट करवाया, पेमेंट करवाने के बाद कंपनी उसका DSCC कैंसिल करेगी, DSCC कैंसिल करने के साथ साथ ही उसका इंश्योरेंस कैंसिल करेगी, फिर वो आपको पार्सल मिलेगा। वैसे भी कंपनी आपको वारंटी के साथ दे रही है, सर बेफिक्र रहिए, आज 400 जनों की टीम के साथ कंपनी की खुद का फैक्ट्री है, बेफिक्र आपके मन के जो सारे क्वेश्चन है वो उसे निकाल दिए। ये कंपनी का, उस कस्टमर का, इस क्वेश्चन का हैंडलिंग का तरीका रहेगा। अच्छा, जैसे काफी कस्टमर बोलते हैं कि मैं कैश पेमेंट नहीं करूंगा, जी कैश दे दिया तो फिर क्या होगा? पहले पेमेंट नहीं करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बुकिंग के लिए। जब अपन 3500 रुपए की उससे बुकिंग की बात करते हैं, कस्टमर्स बोलता है कि सर मेरे को प्रोडक्ट भेज दीजिए और मेरे पास जब प्रोडक्ट आएगा तब मैं उसका पेमेंट पे करूंगा। इस क्वेश्चन को कस्टमर्स को हैंडल करने का तरीका कि सर ये आज हमारी कंपनीज में हजारों की तादाद में कस्टमर्स के कॉल आते हैं, तो जब कंपनी कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट भेज रही होती है, कस्टमर्स को बोलती है कि सर ये ओनली फॉर बुकिंग पेमेंट है, जिसका इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कस्टमर्स को पहले देना होता है। अगर कस्टमर्स इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी नहीं दे सकता है तो कस्टमर प्रोडक्ट को लेगा क्या? कस्टमर्स को इस तरह से समझाना होता है ताकि कस्टमर्स को ये बात समझ में आ जाए कि मुझे कुछ बुकिंग पेमेंट कुछ परसेंटेज पहले देना है, बाकी तो सर वैसे भी जब प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा तभी आपको पेमेंट देना, क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कस्टमर्स के मन में क्वेश्चन होता है मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, चला तो नहीं जाएगा, कस्टमर्स को पूरा सेटिस्फाइड करिए, उसे कंपनी का वीडियो भेजिए, उसे बोलिए सर बेफिक्र होकर आराम से ऑर्डर कराइए, तब कस्टमर्स अपना प्रोडक्ट जब ऑर्डर कराता है तो उसके मन के ये सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। जैसे लैपटॉप के अंदर होता है कि बोलते हैं कि मुझे जनरेशन 7th और 8th जनरेशन चाहिए, सेकंड जनरेशन नहीं चाहिए, जी तो वो क्या सेकंड जनरेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है और लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम? जनरेशन से रिलेटेड होता है कि कस्टमर्स का लैपटॉप का मॉडल जितनी अप जनरेशन होती है उतना ही महंगा लैपटॉप होता है। अगर 8 जनरेशन की बात करें, 7 जनरेशन की बात करें, ये लैपटॉप नए होते हैं। अच्छा। जो नए लैपटॉप होते हैं वो 40 से 50 हज़ार रुपए होते हैं। कस्टमर्स जब अपने पास आया तो कस्टमर्स को ये बताना होता है कि सर हमारी कंपनी नया लैपटॉप सेल नहीं करती है, नया लैपटॉप 40 से 50 हज़ार रुपए का आता है। और बात रही कस्टमर जहां सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा, जो किसी ने 8 से 10 साल चला लिया होता है,
उसको खरीदने के बाद उसे लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है, जो कस्टमर पैसा भी लग जाता है और सेटिस्फाइड नहीं होता। अपन जो लैपटॉप देते हैं वो रिफर्बिश देते हैं, उसमें क्या होता है कस्टमर्स को बोला सर अगर आप 7th जनरेशन 8th जनरेशन लोगे तो आपको 40-50 हज़ार के आसपास का पड़ेगा, जो कस्टमर्स के बजट में नहीं होता है। इसलिए उसे बोलते हैं सर जनरेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या ले रहे हैं। जैसे i5 लैपटॉप है 4 GB रैम है 300 भी, आपको सस्ता भी पड़ेगा, आपके बजट में भी आएगा, 15-16-17 हज़ार के बजट में आपको बढ़िया से बढ़िया कंडीशन में ये मिल जाएगा। इस तरह से उस कस्टमर्स को उसके क्वेश्चंस का सेटिस्फाइड आंसर दिया जा सकता है। कस्टमर बोलता है कि जैसे लैपटॉप की क्या वारंटी वगैरह रहती है, लैपटॉप से रिलेटेड क्या वारंटी है। देखिए मैम लैपटॉप से रिलेटेड जो कस्टमर्स को समझाना होता है उसे बोलना होता है सर अगर आप किसी मिलने वाले से OLX वाले से दुकानदार से लैपटॉप परचेज करेंगे तो क्या होता है कि वो सेकंड हैंड लैपटॉप सेल आउट कर रहे होते हैं, उनमें क्या खराबी है नहीं पता, उनका मतलब होता है पैसा दिया लैपटॉप दिया बात यही होता है। जबकि हमारी कंपनी कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए बोलती है कि सर 7 डेज की कंपनी की फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग वारंटी, आप 7 दिन जी बिल्कुल आप 7 दिन चलाइए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है आप हमारे टेक्निकल नंबर पर आप उसको कॉल करके बता सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको वारंटी और बढ़ाना है तो आप 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देकर 6 मंथ की वारंटी को इंक्रीज कर सकते हैं। पर हम लोग हमारे कस्टमर्स को बोलते हैं सर नाजायज आप 1000 रुपये मत लगाइए, कभी भी लैपटॉप वगैरह में कोई दिक्कत आती है मोस्ट प्रोबेबली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आती है, विंडो वगैरह उड़ जाए तो वो आप खुद भी डाल सकते हैं, 100 रुपए में 200 रुपए में कोई भी टेक्निकल पर्सन डाल देगा, उसके लिए नाजायज पैसा मत लगाइए। बोलता है कि लैपटॉप का महंगा है ये इससे प्राइस ज्यादा है हर प्रोडक्ट के लिए, इसको बोलते हैं नेगोशिएबल स्किल्स। कस्टमर जब भी प्रोडक्ट और किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड प्राइस से बोलता है कैसे उसको हैंडल किया जाता है। कस्टमर्स को ने बोला कि फॉर एग्जांपल आपने एलईडी टीवी के लिए बताया कि 40 इंची एलईडी टीवी का एग्जांपल के लिए आपने प्राइस बताया 15,000 रुपए, फिर भी कस्टमर्स बोलता है कि ज्यादा है, उसको हैंडलिंग का तरीका आप में वो टैलेंट होना चाहिए। कस्टमर्स को बोला सर देखिए हमारा काम है बल्क का, ये पूरी हमारी फैक्ट्रीज है जहां ये पूरा माल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बल्क क्वांटिटीज में हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं। सर हम लोग सिंगल कस्टमर्स को नहीं देते बट बहुत सारे कस्टमर्स की डिमांड आती है तो आपको एक पीस में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को हटा के हम सिंगल पीस भी आपको फैक्ट्री रेट में दे। अब बाहर प्राइस का सर इसी प्रोडक्ट की आप ऑनलाइन प्राइस चेक करिए किसी भी ब्रांड की 30,000-35,000-40,000 प्राइस में आपको मिलेगा। हमारे पास जो कस्टमर जिनके 10-10 दिन से 15-15 दिन से ऑर्डर पेंडिंग रहता है, अगर आज सर आप ऑर्डर पेंडिंग लगाओगे अपना ऑर्डर लगाओ तो कम से कम 8-10 दिन लगेगा सर माल डिस्पैच होने में, क्योंकि 24/7 हमारा पैकिंग डिपार्टमेंट काम करता है। आप में कितना टैलेंट है, किस तरह से अपनी बात को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं नेगोशिएबल स्किल्स। आप पहले सिलेंडर होते हैं या कस्टमर होता है, कस्टमर्स को हैंडल करने का तरीका इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कस्टमर बोलता है कि जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट डिलीवरी होता है जी, तो वो बोलते हैं कि मुझे होम डिलीवरी चाहिए। बिल्कुल होम डिलीवरी से रिलेटेड आप पहले कस्टमर से जैसे आपने ऑर्डर बुकिंग लिया, ऑर्डर बुकिंग से रिलेटेड आप फिर पार्सल डिपार्टमेंट से उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि सर ये पिन कोड है, यहाँ कस्टमर्स बोल रहा है कि मुझे होम डिलीवरी अवेलेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं उड़ीसा वेस्ट बंगाल जो इंटीरियर होते हैं, गांव के भी बहुत अंदर गांव होते हैं जहाँ कोरियर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, उससे पहले कस्टमर्स को वो पिन कोड पासवर्ड वगैरह बता के पार्सल डिपार्टमेंट से पहले आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो उसके लिए। अब मैम कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कस्टमर से रिलेटेड जो कस्टमर से हैंडलिंग में प्रॉब्लम आती है। कस्टमर्स बोलता है कि मैडम मुझे है ना जो प्रोडक्ट मैं ऑर्डर करने वाला हूं या कोई भी चीज मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा पैसा चला जाएगा, या मैंने पहले भी कहीं ऑर्डर किया था मेरे साथ ऐसा हो गया ऐसा हो गया, कस्टमर का ऑब्जेक्शन कस्टमर टेस्ट करना चाह रहा था, क्या सोल्यूशन करेंगे मैडम इसके लिए। सबसे बड़ा ये रहता है कि जैसे अपना पूरा ऑफिस है उसको वीडियो कॉल पे वो दिखा सकता है कि अपना ऑफिस है इस तरह से पूरा एग्जीक्यूटिव वगैरह वर्किंग करता है, पूरी टीम मैनेज होती है। उसके बाद इसमें वो GST नंबर भेज सकता है, विजिटिंग कार्ड भेज सकता है और कंपनी को पूरा वीडियो कॉल पे दिखा सकता है और अपने सीनियर से भी बात करवा सकता है, सीनियर से भी बात कर। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए टैलेंट होता है कैसे बात की जाए, कैसे कस्टमर्स को हैंडल किया जाए, क्योंकि ऑब्जेक्शन तभी आते हैं जब कोई काम होता है। अगर कोई काम ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, कोई सर्विस ही नहीं है, कोई कंपनी है, तो ऑब्जेक्शन आएगा नहीं। ऑब्जेक्शन मतलब कस्टमर टेस्ट करता है कि किस तरह से मुझे ये सर्विस से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये कुछ ऑब्जेक्शन थे जिसको आप फटाफट नोट कर सकते हैं और आपका जो फाइनल इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू में हमारे मैनेजर्स आपसे ये सारे ऑब्जेक्शन पूछेंगे कि कस्टमर ऐसा बोल रहा आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, कस्टमर्स ने ये बोला आप किस तरह से उसको हैंडल करने का टेक्निक्स अगर आप में है तो आपका सिलेक्शन हमारी कंपनी में हो पाएगा और मोस्ट वेलकम रहेगा आपका हमारी कंपनी के अंतर्गत।